आज हम एक्सरसाइज 7 करेंगे। एक्सरसाइज 7 में आप यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन करेंगे। यूनिटरी मेथड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा के बारे में ही दे रखा होता है और ज़्यादा के बारे में ही आपसे पूछा होता है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक वस्तु की कीमत निकालनी पड़ती है, एक चीज़ के बारे में बताना पड़ता है जिसके लिए हमें डिवाइड करना होता है, और फिर जितने का इसने हमसे पूछा होता है उतने का बताना होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट टेक्स 77 मिनट्स टू फिल 11 बकेट्स ऑफ वाटर। कोई भी चीज़ है वो 11 बाल्टियों को, पानी की बाल्टियों को भरने में 77 मिनट्स लेती है। बाल्टियाँ कितनी? 11। हाउ मच टाइम, तो कितना समय विल इट टेक टू फिल 7 सच बकेट्स, तो ऐसी 7 बाल्टियों को भरने में कितना समय लेगी। तो देखिए 11 वन से ज़्यादा के बारे में ही तो दे रखा है आपको कि 11 बाल्टियों को भरने में 77 मिनट्स लगते हैं, और आपको आपसे ये पूछा है कि 7 बाल्टियों को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम एक बाल्टी के भरने का समय निकालेंगे। तो एक बाल्टी के भरने का समय निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में जब हमें ज़्यादा के बारे में दे रखा होता है और हम वन के बारे में निकालते हैं तो उसके लिए हमें डिवाइड करना होता है, क्योंकि वन के बारे में निकालने के लिए हमें डिवाइड ही करना होगा। अब जब डिवाइड करेंगे तो वन के बारे में निकल जाएगा, और जब वन के बारे में निकल जाएगा तो हम सेवन के बारे में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब वन के बारे में पता होता है और ज़्यादा के बारे में हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सेवन से डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट टेक्स टाइम टू फिल 11 बकेट्स। 11 बकेट्स को फिल करने में समय लेता है इक्वल 77 मिनट। हमें निकालना है वन के बारे में, तो हम लिखेंगे तो इट विल टेक टाइम टू फिल 1 बकेट, तो 1 बकेट को फिल करने में टाइम लेगा, तो हम डिवाइड करेंगे 77 को, हम 11 से डिवाइड कर देंगे। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 के टेबल में 77 आता है कितनी बार में, 7 बार में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 मिनट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मिनट को, आप भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर हमें तो 7 के बारे में निकालना है, क्योंकि इसने तो हमसे केवल 7 के बारे में पूछा है ना कि 7 बकेट्स को भरने में कितना टाइम लेगा। तो हम लिखेंगे इट विल टेक टाइम टू फिल 7 बकेट्स। तो अब हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो आपका ये सेकंड स्टेटमेंट का जो आंसर होता है उसे आप जितने के बारे में पूछा है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट भी लिखेंगे, तो 7 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 7 × 7 = 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 49 मिनट्स। तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। ए मैथ्स टेस्ट पेपर हैज़ 10 क्वेश्चंस। एक मैथ्स के टेस्ट पेपर में 10 क्वेश्चन है, एंड द टोटल मार्क्स आर 100, और उस टेस्ट के लिए 100 मार्क्स है टोटल। इफ़ साक्षी आंसर 8 क्वेश्चन करेक्टली, अगर साक्षी के 8 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं तो हाउ मैनी मार्क्स विल शी गेट, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि 10 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स हैं, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स है। तो 1 क्वेश्चन के लिए हमें पता लग जाएगा कि इतना मार्क्स है, तो हम 8 क्वेश्चन साक्षी ने सही किए हैं तो हम 8 क्वेश्चन के मार्क्स निकाल लेंगे, तो वही वो प्राप्त करेगी। तो सेम जैसे आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया उसी तरीके से करना है ये आपको। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे ऐसे, मार्क्स फॉर 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस के लिए मार्क्स हैं 100, सो मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन के लिए मार्क्स है, डिवाइड करेंगे 100 को 10 से, तो 10 आएगा, क्योंकि 10 के टेबल में 100 10 बार में आता है। अब हमें 8 क्वेश्चन के लिए मार्क्स निकालने हैं, तो मार्क्स फॉर 8 क्वेश्चंस, 10 × 8 = 80, दस इस प्रकार शी विल गेट 80 मार्क्स, तो उसको कितने मार्क्स प्राप्त होंगे, 80 मार्क्स। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन गिवन है, लेकिन आपको मैथ्स के रजिस्टर में ओनली 6 क्वेश्चन तक करना है, 7, 8, 9, 10 आपको नहीं करने हैं। प्रैक्टिस के लिए आप इन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को रफ रजिस्टर में कर सकते हैं, लेकिन आपको मैथ्स के रजिस्टर में 6 क्वेश्चन तक ही करना है। जैसे आपको मैंने 2 क्वेश्चंस बताए हैं, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही हैं। स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही तरीके से बनानी है, स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको पहले 1 के बारे में निकालना है, उसके बाद जितने के बारे में पूछा हो उतने के बारे में निकालना है, तो आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन। 3 स्टेटमेंट बनेंगी इसमें, तो इस बात का ध्यान रखना है। थैंक यू।